ओके सो गाइस, इस टाइप के रील्स बना के इस भाई ने टोटल 31.5 के फॉलोअर्स गेन कर लिए। एंड इसके अकाउंट में आपको सिर्फ इसी टाइप के वीडियोज देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सा वीडियो होता है। तो आज हम बात करने वाले गाइस कि इस तरह के वीडियो आप भी कैसे बना सकते हो और आप भी अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को बूस्ट अप कर सकते हो एंड फॉलोअर्स को गेन कर सकते हो। ओके तो चलते गाइस एंड शुरू करते हैं। सो इसके लिए आपको चलना है इमेज सर्च एप्लीकेशन में गाइस, और ये जो एप्लीकेशन है आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, तो जाना और इमेज सर्च करना, बाकी इस एप्लीकेशन को ओपन करना। उसके बाद गाइस आपके यहाँ पर सर्च करना है स्वायरल बैकग्राउंड या फिर बस्ट बैकग्राउंड या फिर सन रे पैटर्न, तो इन तीनों में से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो सिंपली आपके यहाँ पर सर्च करना है स्वायरल SWIRL बैकग्राउंड, सिंपली आपके यहाँ पर सर्च कर देना। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड आपको देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपके पे बहुत सारे मिलते हैं। एंड गाइज ये एप्लीकेशन गूगल क्रोम से लिंक है, तो यहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे ना, मतलब कि आप गूगल में सर्च कर रहे हो, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आप यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से कुछ भी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि ये फोटो मुझे डाउनलोड करना है, ये वाला, तो सिंपली इसमें आप टाइप करना, उसके बाद आपका पे क्लिक करना है यहाँ पे डाउनलोड में, यहाँ पे तो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, अपने गैलरी में तुरंत सेव हो जाएगा। सो इस तरह से आपके यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड पसंद आता है तो सिंपली उसमें टाइप करना और कुछ इस तरह से इसको आप डाउनलोड करके और अपने गैलरी में सेव करना। उसके बाद आपको पूरा बैक आना गाइस, और अभी आपको चलना अपने पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में गाइस, और सिंपली पिक्स आर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना, उसके बाद क्लिक करना प्लस में गाइस, उसके बाद क्लिक करना एडिटर फोटो में, उसके बाद अभी जो आप डाउनलोड किए थे फोटो बैकग्राउंड वाला, तो सिंपली उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेना कुछ इस तरह से। उसके बाद सिंपली आपका पे क्लिक करना टूल्स में गाइस, और क्रॉप में जाके रील्स वाले फ्रेम में लाना है, तो उसके लिए आप स्क्रॉल करना एंड यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्टा स्टोरी है, इसको आप सेलेक्ट करना एंड बाकी इसको आप डन कर देना गाइस। ओके उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करना एंड यहाँ पे क्लिक करना ऐड फोटो में, तो गैलरी से आप अपने फोटो को यहाँ पे ऐड करना। बाकी यहाँ से आप कभी ऐसा पोएट्री वाला पोस्ट को भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि इंस्टा पे मैं आपको एक पेज सजेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये वाला है पोएट्री वर्ड्स DX, पोएट्री वर्ड X है। तो यहाँ से आपको मतलब बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिल जाते हैं जिसमें अच्छे खासे लाइन्स लिखे हुए होते हैं, मतलब पोएट्री लिखा हुआ होता है, तो इन सारे चीज़ को आप फोटोज़ को आप डाउनलोड करके अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कोई सा भी एक नॉर्मल सा पोस्ट को ऐड कर रहा हूँ, फोटो का यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो सिंपली कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ऐड करना, उसके बाद इसका जूम करना कुछ इस तरह से। ओके उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करना गाइस एंड यहाँ पे क्लिक करना शेप में, यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद आप इसको बड़ा कर लेना है, अपने फ्रेम में ला लेना है कुछ इस तरह से। एंड गाइस यहाँ पे हम इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पे हम हमें जो होता है साइड में कर्व कर सकते हैं, शेप ला सकते हैं कर्व वाला, इस वजह से हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में लाए, नहीं तो फिर डायरेक्टली हम इस तरह से कैपकट एप्लीकेशन में कर सकते थे, बट यहाँ पे मुझे आना पड़ा इसके लिए, सिर्फ कर्व के लिए। बाकी इसको आप डन कर देना एंड इसका जो साइज है ना, यहाँ पे आपको साइज का भी ऑप्शन मिलेगा, इसको 0 कर देना, बाकी इसको आप डन कर देना। ओके थोड़ा सा वेट कर लो, तो कुछ इस तरह से आपको मतलब साइड में आपको कुछ इस तरह से कर्व देखने को मिलता है फोटो के कॉर्नर में। ओके बाकी इसमें आप शेडो भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करना शेडो में, उसके बाद इसमें शेडो भी कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो ऐड करना, बाकी आप चाहो तो नहीं भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली इसको आप डन करके एंड यहाँ से इसको आप डाउनलोड करना, मतलब कि अपने गैलरी में आप इसको आप सेव कर लेना। उसके बाद आपको पूरा बेक आना गाइस, और अभी आपको चलना है कैपकट एप्लीकेशन में, बट हाँ उससे पहले आप VPN से कनेक्ट कर लेना। तो मैं चलता हूँ और ट्रबो VPN का पे ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से पहले हम कनेक्ट कर लेंगे, टैप टू कनेक्ट एंड बेक आएंगे। उसके बाद आपको चलना है अपने कैपकट एप्लीकेशन में गाइस, जहाँ पे हम ब्लर ऐड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी कैपकट एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना प्लस में, और अभी जो आप एक्सपोर्ट किए थे फोटो उसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना है कुछ इस तरह से। ओके बाकी इसका लेंथ का आप बढ़ा सकते हो, जितना आप चाहो उतना बढ़ा सकते हो, इतना बढ़ा देना। और आप चाहो तो कोई भी यहाँ पे क्लिक करके ऐड ऑडियो में अपने गैलरी से कोई भी एक ऑडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, रील्स का ऑडियो को। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक नॉर्मल सा एक ऑडियो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जैसे किसको, तो मेरा यहाँ पे ऑडियो भी आ गया। उसके बाद आपको क्या स्टार्टिंग में जाना है, और अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है इफेक्ट्स में, यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद क्लिक करना वीडियो इफेक्ट्स में यहाँ पे, और थोड़ा सा वेट करना। ओके उसके बाद आ जाना है आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला इफेक्ट में, यहाँ पे आ जाना, और नीचे आपको बहुत सारे ऐसे इफेक्ट आपको दिख रहे होंगे, तो आपका पे ऐड करना हेलो ब्लर। बाकी इसके अलावा आपको बहुत सारे इफेक्ट आपको दिख रहे होंगे, तो आप मतलब अलग अलग ट्राई करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेलो ब्लर ही ट्राई करना, आप चाहो तो डायमंड जूम ब्लर ऐड करो या फिर आप ब्लर
लव ऐड करो या फिर बहुत सारा और भी आपको इफेक्ट नज़र आते हैं। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, मतलब कि आप सिर्फ इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो, तो भाई आप लोग अलग अलग ट्राई करना ताकि आपके कंटेंट में वैरायटी आए और ताकि लगे कि हाँ भाई कुछ नया नया ट्राई कर रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐड करना है हेलो ब्लर इसको, एंड सिंपली इसको आप डन कर देना। बाकी इसका लेंथ आप जितना चाहो उतना आप रख सकते हो, ओके, ताकि सस्पेंस क्रिएट हो सके और आपका रील्स वायरल हो सके। उसके बाद स्टार्टिंग में आके गाइस आपको फिर से क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट्स में। सो स्नोफॉल टाइप का इफेक्ट ऐड करने के लिए आप ऊपर में स्क्रॉल करना गाइस, एंड अभी आपको आ जाना है सेलिब्रेट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आ जाना। उसके बाद गाइस आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको फिल्टर्स दिख रहे होंगे, मतलब स्नोफॉल टाइप का लाइट इफेक्ट है, तो इसमें से आपको भी आप इफेक्ट ऐड कर सकते हो, जिसमें से गोल्ड ग्लिटर 3 ये वाला मस्त है, इसको आप ऐड करना, या फिर इसके अलावा आपको बहुत सारा और भी मिलता है। बाकी इसको आप एडजस्ट करना, इसका जो स्पीड वगैरह है सिंपली कुछ इस तरह से, एंड इसको आप डन कर देना। और डन करने के बाद गाइज इसको आप कॉपी करके, और अगर आपको आगे बढ़ाना है तो सिंपली इसको आप क्लिक करके इसको कॉपी करना, क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग घिंचते हैं तो फिर इसका इफेक्ट लॉन्ग तक नहीं रहता है, बस कॉपी करके आगे बढ़ाते जाना, ओके। सो इतना कुछ करने के बाद फाइनली आपका जो रील्स है यहाँ पे बन के रेडी हो चुका गाइज। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से कि कैसा बना हमारा। बाकी बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना तो सेम इस तरह से बन जाएगा। बाकी इस तरह से बना कि आप अलग अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करना एंड रील्स में पोस्ट करना, तो गाइज आपका रील्स भी वायरल होगा। बाकी आप लोग सॉन्ग पे फोकस करना कि आप कौन सा ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज कर रहे हो, एंड आपका जो भी लाइन्स होगा जैसे कि पोएट्री वगैरह, तो उस पर मतलब ध्यान देना है कि कौन सा आप लिख रहे हो, कैसा लिख रहे हो। तो ज़्यादातर आप फोकस करना फ्रेंड्स वाला, तो उस टाइप के जो पोएट्री होते हैं, उस टाइप के जो लाइन्स होते हैं ज़्यादातर चलते हैं इंस्टाग्राम के रील्स में, तो उस पर फोकस करना एंड उस टाइप के रील्स बनाना, तो बस आपका रील्स भी वायरल चल जाएगा। बाकी यही था गाइस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।